already discussed about the already started our chapter, that is water. Okay, और अपन ने बात की थी कि अपना जो वाटर है वो हमें कहाँ कहाँ पे यूज होता है, कैसे अपनी लाइफ के लिए ये यूजफुल है, कितना अपने लिए इम्पोर्टेंट है, इवन अपने लिए ही नहीं ये प्लांट्स के लिए भी कितना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में अपन ने स्टडी की थी. ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर द चैप्टर टुडे. ओके, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट From where do we get water? इसमें जो water हमें मिलता है वो water हमें कहाँ से मिलता है, कहाँ से अपन उसको gain करते हैं. Okay? So let's discuss about from where do we get water? कि हम water जो है वो कहाँ से अपने को मिलता है. ठीक है, कहाँ कहाँ से, तो जहाँ से भी अपने को water मिलता है वो क्या हो गए, अपने sources of water हो गए. ठीक है, जहां से भी आपको वाटर मिल रहा है वो क्या हो गया, आपका सोर्सेज ऑफ वाटर हो गया. तो अभी अपन बात करेंगे सोर्सेज ऑफ वाटर, वाटर के जो सोर्सेज हैं उनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे. देन रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. अगर अपन बात करें अर्थ के ऊपर कि सबसे ज्यादा, सबसे मतलब सबसे ज्यादा अगर अपने को वाटर मिलता है तो वाटर अपने को कहाँ से मिलता है, रेन से. ठीक है, तो रेन क्या हो गया, इसका मेन सोर्स ऑफ वाटर हो गया. तो जो अपना मतलब जो अर्थ है सबसे ज्यादा वाटर कहाँ से आता है, रेन. ओके, सो ये आपका क्या हो गया, बेस्ट सोर्स ऑफ वाटर. ओके, एंड नाउ जैसे कि आप सभी जानते हो कि जब बारिश होती है तो तभी जब रेन होती है, ठीक है, जब बारिश होती है तभी क्या होता है, जो वाटर है वो किस में आता है, लेक्स में आता है. ठीक है, रिवर में आता है. और मोस्टली अपने को पता है कि जो वाटर आप मतलब ले रहे हो, जैसे आप मतलब नॉर्मली जो वाटर लेते हो, ठीक है, वो आप लैंड से लेते हो या तो रिवर से लेते हो, पॉन्ड से लेते हो, तो पॉन्ड में वाटर कहाँ से आता है, लेक में वाटर कहाँ से आता है. अगर आप इसके बारे में अगर थिंक करते हो, इसके बारे में जब आप सोचते हो तो आपको पता है कि इसमें वाटर कहाँ से आता है, रेन से आता है. ठीक है, सो व्हेन इट रेन्स The rain water fills up the rivers. जब rain होती है, ठीक है, जब बारिश होती है तो जो ये rain water है, बारिश का जो पानी है वो क्या करता है, rivers को fill करता है, lakes को fill करता है, ponds को और streams को fill करता है. ठीक है, तो ये इनको क्या करता है, as you can see here this is stream and this is river and this is lake. ठीक है, तो ये क्या करता है, जब भी बारिश होती है, ठीक है, तो बारिश का जो पानी, अब आपको पता है ये फ्लो आउट होता है, बारिश का जो पानी होता है वो क्या करता है, फ्लो करता है, और फ्लो करके ये फिर कहाँ जाता है, लेक्स स्ट्रीम एंड रिवर्स में जाता है. ठीक है, और वहां से ये फिर ये क्या कर देता है, जो मतलब अपने को पता है कि फिर अपन क्या करते हैं, यहाँ से फिर वाटर का यूज करते हैं. ठीक है, तो नॉर्मली जो अपने बेसिक जो मतलब यूजेस होते हैं तो उसके लिए अपन वाटर कहाँ से लेते हैं, लेक से लेते हैं या स्ट्रीम रिवर से या फिर पॉन्ड से लेते हैं. ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसी टाइप से जो रेन वाटर हो गया, बारिश जो हो गई वो अपना मेन सोर्स ऑफ वाटर हो गया. ओके, एंड नेक्स्ट द अपर पार्ट ऑफ द माउंटेनियर्स, माउंटेन्स अपर पार्ट ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो. जो माउंटेन्स होती है उनका जो बहुत ऊपर का जो पार्ट होता है वो किससे कवर होता है, स्नो से कवर होता है. स्नो क्या होती है, बर्फ. ठीक है, तो जो माउंटेन्स होती है उनका जो ऊपर का जो पार्ट होता है वो किससे कवर होता है, स्नो से कवर होता है. ओके, एंड ड्यूरिंग समर, जब समर सीजन होता है, ठीक है, जब समर सीजन होता है तो ये जो स्नो है, द स्नो ऑन द माउंटेन्स, इन माउंटेन्स के ऊपर जो स्नो है मेल्ट एंड चेंज इंटू वाटर, ये क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है. ठीक है, देखो माउंटेन्स के ऊपर क्या होती है, बर्फ जमी हुई होती है, स्नो होती है, बर्फ जमी हुई होती है, और ये जमी हुई बर्फ क्या करती है, जब समर सीजन होता है, समर सीजन होता है तो आपको पता है टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो ये जो स्नो होती है ये स्नो क्या करती है, मेल्ट हो जाती है. और आपको पता है कि जब भी आइस जो है वो मेल्ट होती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है. सो इट्स चेंज इनटू वाटर, दिस वाटर कम्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स. और ये जो वाटर होता है, ठीक है,
जब डाउन आती है, ठीक है, नीचे की तरफ जब आती है, कम्स डाउन, जब ये नीचे आती है, इट मींस लैंड के ऊपर आती है, माउंटेन से जब ये लैंड के ऊपर ये जो मतलब वाटर आता है, तो ये किसकी फॉर्म में आता है, स्ट्रीम्स की फॉर्म में आता है एंड रिवर्स, और ये क्या बन जाता है इस टाइप से, देखो इन माउंटेन से ये क्या करता है, मतलब वाटर बन के नीचे की तरफ आता है और फिर इनसे ये क्या बन जाती है, रिवर बन जाती है, ठीक है, और इनसे क्या बन जाती है, रिवर बन जाती है। एज यू कैन सी हियर दिस इज द पिक्चर ऑफ रेन वाटर, ये किसकी पिक्चर है, रेन वाटर की पिक्चर है, ओके। सो इस टाइप से रेन आती है और रेन से फिर क्या आ जाती है, जो लैक्स होते हैं उनमें वाटर आ जाता है, ठीक है, वाटर कलेक्ट हो जाते हैं। सो एंड नेक्स्ट नेक्स्ट एज यू कैन सी हियर सम वाटर गोज इन टू द सॉइल, ठीक है, आपको पता है कि इस टाइप से जो स्ट्रीम में जो वाटर आता है, रिवर में जो वाटर आता है, लेक में जो वाटर होता है, वो वाटर क्या करता है, गोज इन टू द सॉइल, ये कहाँ जाता है, सॉइल के अंदर चला जाता है, ओके। दिस गेट कलेक्टेड, ठीक है, सॉइल के मतलब आपको पता है कि जो अपनी सॉइल है, सैंड जो है, वो क्या करती है, वाटर को ऑब्जर्व, मतलब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। दिस गेट्स कलेक्टेड एज अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है, और ये मतलब सॉइल जो एब्जॉर्ब करती है, तो ये अंडरग्राउंड वाटर के रूप में ये क्या हो जाता है, अपनी ग्राउंड के अंदर कलेक्ट हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, ग्राउंड कलेक्ट हो जाता है। वी डिग वेल्स, और अपन क्या करते हैं, वेल्स डिग करते हैं, मतलब कुआ जिसको आप बोलते हो, ठीक है, तो वो बनाते हैं, तो ये क्या हो गया, वेल हो गया, मतलब नॉर्मली नाउ ए डेज आपको जो वेल्स होता है वो बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये जो एंशियंट टाइम्स था, पहले के टाइम पे ये ज्यादा आपको देखने को मिलता था, आजकल क्या होती है, ट्यूब वेल्स टू गेट दिस वाटर। और ये जो वाटर है, जो रैन से वाटर आया है, लैक से जो वाटर आया है, ठीक है, लैक से जो वाटर आया है, रैन से जो वाटर आया है, ठीक है, तो इस टाइप के ये जो वाटर है, ये कौन एब्जॉर्ब करता है, अपनी जो सॉइल है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, और ये वाटर क्या होता है, अंडरग्राउंड, मतलब अपनी सॉइल के नीचे ये कलेक्ट हो जाता है, और फिर अपन क्या करते हैं, इस वाटर को निकालने के लिए या तो अपन क्या डिग करते हैं, वेल्स डिग करते हैं या ट्यूब वेल्स डिग करते हैं। अब डिग करने का मीन क्या हो गया, खोदना, ठीक है, तो या तो अपन जो वेल्स है वो डिग करते हैं या ट्यूब वेल्स है वो बनाते हैं, ठीक है, और ट्यूब वेल्स और वेल्स होती है उनसे जो वो अपनी सॉइल के अंदर जो कलेक्टेड वाटर होता है वो अपन गेन करते हैं। वी ऑल्सो यूज हैंड पंप्स टू ड्रा अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है, और इसके अलावा अपन क्या करते हैं, इस टाइप से जो हैंड पंप्स होता है वो भी बनाया जाता है, और उनसे भी अपन क्या कर सकते हैं, जो अंडरग्राउंड वाटर है वो ले सकते हैं, ठीक है, तो जो हैंड पंप से जो वाटर आपको मिलता है वो वाटर भी आपको कैसे मिलता है, अंडरग्राउंड वाटर से, ठीक है, वो वाटर भी कौन सा वाटर हो गया आपका, अंडरग्राउंड वाटर हो गया, ठीक है, एंड इसी टाइप से जो ट्यूबवेल है वो भी इस टाइप से बनाई भी होती है, और जो ट्यूबवेल होती है उससे भी आपको क्या मिलता है, अंडरग्राउंड वाटर मिलता है, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द सोर्सेज ऑफ वाटर, ठीक है, अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो सोर्सेज हैं वो वाटर के कौन कौन से होते हैं। अब सोर्सेज क्या होते हैं, जहाँ से भी आपको वाटर मिलते हैं, मतलब कोई भी चीज़ आपको मिलता है, देखो सोर्सेज अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, सोर्सेज ऑफ वाटर, सोर्सेज किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, सोर्सेज ऑफ लाइट हो सकते हैं, सोर्सेज ऑफ एयर हो सकते हैं, सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ फूड भी हो सकते हैं, तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ वाटर की, तो जहाँ से आपको आप वाटर गेन करते हो, वाटर जहाँ से आपको मिलता है वो क्या हो गया, सोर्सेज ऑफ वाटर हो गया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट सोर्सेज ऑफ वाटर, ओके, एंड फॉर द चैप्टर वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो, सो